हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट बायो। तो अगर आपको ऑफ स्पिनर बनना है और आपको नहीं पता कि ऑफ स्पिन डालने के लिए ग्रिप कैसे होनी चाहिए, आपको नहीं पता कि ऑफ स्पिन डालने के लिए बॉल को पकड़ना कैसे, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में वो सारी टिप्स आपको बताऊंगा जिससे आपकी ऑफ स्पिन में काफी इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑफ स्पिन डालने के लिए कौन सी फिंगर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है हमारी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर। यही दो फिंगर्स है जिससे हमारे बड़े बड़े ऑफ स्पिनर ऑफ स्पिन डालते हैं, जैसे कि रविचंद्र अश्विन, हरभजन सिंह, ये सिर्फ अपनी इन दोनों अंगुलियों से वो ऑफ स्पिन डालते हैं। तो ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ऑफ स्पिन डालना, ये बस डिपेंड करता है आपकी ग्रिप सही है कि नहीं। अगर आपकी ऑफ स्पिन के लिए आपने बॉल सही तरीके से पकड़ी है तो आप भी बहुत ही आसानी से ऑफ स्पिन डाल सकते हो। तो चलिए हम देख लेते हैं ऑफ स्पिन की ग्रिप कैसे होती है। तो ऑफ स्पिन डालने के लिए ग्रिप होनी कैसे चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपकी ये इंडेक्स फिंगर है वो सीम के बिल्कुल ऐसे, आपको थोड़ा सा ऐसे फिंगर को ऐसे पीछे रखना है, और ये जो आपकी मिडल फिंगर है वो उसका पोजिशन ऐसे डाउन साइड रहेगा और बिल्कुल ऐसे रहेगा। तो ये दोनों फिंगर्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑफ स्पिन में, और ये जो बाकी के फिंगर्स है वो एज अ सपोर्ट काइंड ऑफ रोल प्ले करती है, इसमें इतना रोल नहीं है इसमें। और ऑफ स्पिन डालते वक्त आपको ये बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपकी बॉल इस पाम एरिया में टच नहीं हो रही है। अगर आपकी बॉल इस पाम एरिया में टच हो रही है तो आपकी बॉल स्पिन होगी ही नहीं। काफ़ी सारे बिगनर्स ये गलती करते हैं कि ऑफ स्पिन डालते वक्त उनकी बॉल ऐसे पाम ऐसे बिल्कुल ऐसे टच हो रहा होता है पाम को, तो उनकी बॉल स्पिन होती नहीं है। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरी बॉल स्पिन क्यों नहीं हो रही है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें जिसमें आपकी बॉल स्पिन नहीं होती है। तो आपको करना क्या है, बेसिक सा आपको बॉल को इस पाम एरिया में टच नहीं होने देना है। तो ऑफ स्पिन डालते वक्त आपको अपनी सेम पोजिशन पर ध्यान देना है। आपकी सेम पोजिशन ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये सेम पोजिशन टॉप स्पिन के लिए होती है। काफ़ी बिगनर्स गलती करते हैं कि वो ऐसे अपनी सेम पोजीशन रखते हैं, आपको ऐसे नहीं रखना है। आपको ऑफ स्पिन डालना है तो आपकी सेम पोजीशन को थोड़ा सा ऐसे 45 डिग्री में ऐसे घुमा दीजिए, तो ये एक परफेक्ट सेम पोजीशन है अगर आपको ऑफ स्पिन डालनी है। तो मैं आपके लिए आज एक ड्रिल लेके आया हूँ ऑफ स्पिन इंप्रूव करने के लिए। इस ड्रिल में आपको करना क्या है, आपको बिल्कुल ऐसे बॉल पकड़ लेना है और बस खड़े खड़े आपको ऐसे बॉल ऐसे बिल्कुल आपको पीछे से बॉल को आगे तक ऐसे घुमाना है, ऐसे बस अपने हाथों में ही ऐसे पीछे से आपको ट्राई करना है कि आप अपनी बॉल ऐसे पीछे से लेके आ रहे हो और आपको ऐसी बॉल आगे घुमानी है। तो इससे होगा क्या, इससे आपकी फिंगर्स भी ट्रेन होगी और आपकी ऑफ स्पिन भी काफ़ी बेहतर होगी। ये ड्रिल करने के बाद आप देखोगे कि आपकी ऑफ स्पिन में ज़्यादा फर्क दिख रहा है, ऑफ स्पिन में बॉल और ज़्यादा स्पिन हो रही है। तो इस लॉकडाउन के चलते हमारे काफ़ी क्रिकेटर्स महीनों से क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो वो जैसे कि अगर आप ऑफ स्पिनर हो और आप सीधा जाके ग्राउंड पे जाके सीधा ऑफ स्पिन डालोगे तो आपकी फिंगर्स में पेन होगा। तो ये ड्रिल आपको आपकी वो पेन होने से दूर करेगा, क्योंकि आप घर पे ही पहले अपनी फिंगर्स को ट्रेन कर लोगे बिल्कुल इस तरह से ये ड्रिल करके, तो आप जब ग्राउंड पे जाओगे तो आपको वो पेन फेस करना नहीं पड़ेगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है कि ऑफ स्पिन के लिए आपकी ग्रिप कैसे होनी चाहिए बॉल पे। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है वीडियो के रिलेटेड या फिर ऑफ स्पिन के रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वहाँ पे मैं आपको रिवर्ट करके आपकी हेल्प करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।